और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने कान्हा जी के लाई हूँ, लुक एट दिस। क्योंकि मेरे कान्हा जी बड़े हैं इसलिए मैं अपने कान्हा जी के लिए बड़ा वाला पालना लेके आई हूँ। दीज आर द प्रिटी स्लीपर्स। ये स्लीपर्स भी मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई हूँ। इतना बुरा है ना ये आईफोन, बार 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 इसकी मेमोरी फुल हो जाती है तो दिमाग खराब हो गया है। मैं आईफोन से क्या व्लॉग बनाती हूँ, जरा सा व्लॉग बनाती हूँ मेमोरी फुल, जरा सा व्लॉग बनाओ मेमोरी फुल, दिमाग खेल गई। इतनी सारी शॉपिंग करी है वो सब आपको दिखानी है, इसकी मेमोरी फुल मेमोरी। हे गाइस, हेलो, राधे राधे, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज है संडे और मैं आज आ रही हूँ मार्केट। तो मैंने सोचा था कि मार्केट का व्लॉग बना लेती हूँ। एक्चुअली सुबह से मैं इतने काम कर रही थी, मैंने पूरा बाथरूम अपना पूरा साफ किया, पूरी किचन साफ की, तो मैंने सोचा पहले उसका व्लॉग बना लेती हूँ। मैं कहा नहीं आज ही रहने देती हूँ, साफ सफाई का व्लॉग नहीं बनाती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेशन अप हुई, फिर फ्रेशन अप होने के बाद अब मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होकर मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक मार्केट का व्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आज अपने घर के लिए, अपनी बेटी के लिए और जन्माष्टमी के ऊपर बहुत सारी शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं मार्केट चलती हूँ और दैट्स इट। बाकी भगवान जी के कपड़े वगैरह तो मैं सब ले ही आई थी पहले ही, अभी मेरे हस्बैंड आए थे रक्षाबंधन पे तो मैंने सब खरीद लिए थे। अभी मैं जा रही हूँ जस्ट शॉपिंग करने के लिए, तो चलते हैं मार्केट। ये है मेरा कुछ लुक। ओके, कैसे हाय? क्या बोला आपने? मैंने ओला पे ऑटो बुक कर लिया था, अब मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। अब मैं जाऊंगी मार्केट, बहुत सारा सामान लेना है, मैंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई है, पता नहीं सारा मिलेगा भी नहीं मिलेगा, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या होता है। इधर पहन के दिखाओ, जल्दी पहनो, जल्दी पहनो, ये पहनाओ 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 पहनाओ। अरे अरे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, चल के आओ, चल के आओ, कैमरा में बैठा नहीं दिखाई आपको, अच्छा लग रहा है पे ना? ये अरे मोटरसाइकिल किसकी आता है? अरे ये हटा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। कैसा लग रहा है दुपट्टा? तो दुपट्टा डाल दो सर, कैसा लग रहा है बेटू? दुपट्टे बहुत छोटे होते हैं, अलग से मिल जाएगा क्या? हाँ अलग से मिल जाते हैं, हम लोग जाते हैं इनके हिसाब से, बहुत तेरा बड़ा है ये, संभालने यही बहुत बड़ी बात है। ये तो कल तो शादी और अपना हल्दी फंक्शन। गाइस, सुबह से सिर्फ चार ब्रेड खाई थी मैंने, सिर्फ चार ब्रेड, और बज रहा है 5:10। अब इतनी तेज मुझे भूख लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। तो मेरे आलू के पराठे रखे थे सुबह के, मैंने खाए नहीं थे, तो मैं आलू के पराठे और चाय खा रही पी रही हूँ सो दैट मेरे के अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाए। सिर्फ चार ब्रेड खा के मैं पूरी मार्केट कराई, अब बहुत कमजोरी लग रही थी मुझे, थकान भी बहुत हो रही है, देख रहे हो आज तक थक गई मैं। अभी देख रहे हो गाइस स्वेटिंग, छत पे गई थी, छत पे वीडियो शूट करके आई हूँ, इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स बनाई मैंने, सिर्फ चार रील्स बना के आ गई मात्र 5 मिनट में। इतना बुरा है ना ये आईफोन, बार 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 इसकी मेमोरी फुल हो जाती है तो दिमाग खराब हो गया है। मैं आईफोन से क्या व्लॉग बनाती हूँ, जरा सा व्लॉग बनाती हूँ मेमोरी फुल, जरा सा व्लॉग बनाओ मेमोरी फुल, दिमाग खेल गई। इतनी सारी शॉपिंग करी है वो सब आपको दिखानी है, इसकी मेमोरी फुल मेमोरी फुल, बार बार इसकी मेमोरी फुल हो जाती है गाइस, क्या बताऊं।
तो गाइस मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ और मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, या चेंज नहीं करती हूँ, पहले आपको दिखाई देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है और उसके बाद इस व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि कल सुबह से फिर मुझे मंदिर डेकोरेट करना है। तो मैं सरवर धो के अभी नहाऊंगी दोबारा से, क्योंकि कल सुबह उठते ही उठते मुझे मंदिर में लग जाना है। पूरा मंदिर अकेले साफ करना है, पूरा मंदिर अकेले सजाना है, सब कुछ अकेले करना है, तो उसके लिए बहुत सारा काम है मुझे। तो वो सब मैं तैयारी रात में कर लूँगी, सरवर धो के नहा लूँगी, एकदम बिल्कुल फ्रेश में हो जाऊँगी। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ, फिर व्लॉग को एंड कर देंगे क्योंकि इस व्लॉग को अपलोड भी करना है ना मुझे। सो गाइस आज जितनी भी शॉपिंग हुई है सब सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी और राधा जी की हुई है। तो कान्हा जी के लिए सबसे पहले मंदिर में लगाने के लिए मैं ये वाली झालर लाई हूँ, क्योंकि जो झालर मेरे मंदिर में लगी हुई है वो भी ख़राब हो गई है। और ये मंदिर में लगाने के लिए बड़ा वाला बल्ब लाई हूँ, एकदम बड़ा वाला, क्योंकि उसमें जो वाइट बल्ब लगा हुआ है वो ख़राब हो गया, तो ये वाला बल्ब है। बाकी जो कलरफुल लाइट्स हैं वो सब लगा हुआ है मंदिर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अपने कान्हा जी के लाई हूँ, लुक एट दिस, क्योंकि मेरे कान्हा जी बड़े हैं इसलिए मैं अपने कान्हा जी के लिए बड़ा वाला पालना लेके आई हूँ। पालने वैसे डेकोरेटेड पालने भी मिल रहे थे, बट वो मैं इसलिए लेके नहीं आई क्योंकि वो ना तो वो मैं इसलिए लेके नहीं आई। एक्चुअली ना मैं अपने कान्हा जी को अपने साथ मार्केट ले गई थी, क्योंकि कान्हा जी घर जाएंगे बेटा, कान्हा जी को मैं अपने साथ मार्केट ले गई थी क्योंकि बेटा अभी रहने दो बेटा, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ एक मिनट, तो मैं अपने कान्हा जी को ले गई थी मार्केट क्योंकि मेरे को उनके साइज का ही पालना चाहिए था। मेरे कान्हा जी थोड़े बड़े हैं तो इसलिए मैं बड़ा पालना लेके आई हूँ उनके लिए। और उसके अलावा मैं कान्हा जी के लिए क्या क्या लाई हूँ वो सब आप कल देखोगे, ठीक है, क्योंकि कल जन्माष्टमी का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो पूरा डिटेल जितना भी मंदिर का सामान है और सारे भगवान जी की जितनी भी डेकोरेशन के लिए के साथ साथ जितने भी कपड़े मैं लाई हूँ भगवान जी के, वो सब मैं आपको कल। तो अभी आप इस पालने को देख लीजिए, ठीक है, ये जो पालना अभी आप देख रहे हो ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो डेकोरेटेड पालना होते हैं ना वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, उनका जो फोम वोम है वो सब हट जाता है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। मैं जो पालना लाई हूँ ये पालना बहुत मजबूत भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहेगा ये। इसको मैं डेकोरेट खुद से करूँगी कल, ठीक है, तो वो मैं आप कल जब डेकोरेट करूँगी तो आप कल देख लोगे। और अभी मैं आपको ये लड़की चुप नहीं रहेगी, चुप जाओ बेटा चुप जाओ प्लीज। हेलो गाइस, ठीक है, और उसके अलावा मैं लाई हूँ अपने मंदिर के लिए ये नीचे वाले मंदिर के लिए छोटी सी भोग लगाने की कटोरी और ये तांबे का लोट। उसके अलावा मंदिर में स्लैब, और उसके बाद ये रहा जन्माष्टमी का कैलेंडर। इसके अलावा जो भी सामान है वो मेरी बेटी का है और कान्हा जी का है, तो वो सब आप जन्माष्टमी के व्लॉग में देखेंगे। लाइक घर के लिए मैं ऐसा और कुछ नहीं लाई बिकॉज घर के लिए शॉपिंग मैं पहले ही कर चुकी थी। तो ये रहा मेरा जन्माष्टमी का, ओह यस, एंड वन मोर थिंग, दीज आर द प्रिटी स्लीपर्स। ये स्लीपर्स भी मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत सी प्रिटी स्लीपर्स। कैसी लगी गाइस, मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगी, अपनी बेटी के लिए मैं लेके आई हूँ। तो बाकी का जितना भी सामान मैं लेके आई हूँ अपनी बेटी के लिए और कान्हा जी के लिए, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी कल जन्माष्टमी वाले व्लॉग में। तो आज के इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना। सो पालना मैं कैसे डेकोरेट करूंगी वो आप कल के व्लॉग में देखेंगे, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ गाइस, आप लोगों के साथ जल्दी से इस व्लॉग को शेयर भी करना है मुझे उसके एडिटिंग करके। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेशन अप होने करनी है। तो आज के इस व्लॉग में अच्छा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और दित्या की जो ड्रेस मैं लेके आई हूँ वो आप कल वाले व्लॉग में देखेंगे, बाकी सब कुछ आपको दिखाऊंगी मैं कल जन्माष्टमी के व्लॉग में। सो स्टे ट्यून गाइस, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब my YouTube channel and don't forget to follow me on Instagram also. Bye bye guys, milti hu kal janmashtami ke vlog mein. This boy deserves a slap. Ek baar phir prem ka ko tirth mano, pyar ko bhi swarg jano, pyar ke sangeet mein.